और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। नमस्कार, मैं हूँ शमशीर आलम और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। स्वच्छता में लगातार अव्वल रहने के बाद इंदौर ने एक बार फिर प्रदेश और देश में अपना नाम रोशन किया है। इंदौर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर को प्रदेश का पहला प्लास्टिक मुक्त विद्यालय बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। 18 वर्षों से कार्यकृत समाज सेवी संस्था प्रयास इस प्राइमरी विद्यालय को पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त किया गया है। इसकी घोषणा आज इंदौर के रविंद्र नाट्यगृह में आयोजित विशाल कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह, जिले के प्रभारी तथा गृह मंत्री श्री बाला बच्चन और स्वास्थ्य मंत्री श्री तुलसी सिलावट की उपस्थिति में की गई है। समाज सेवी संस्था प्रयास की सचिव पूजा दवे ने बताया कि संस्था पूरे देश भर में कार्य करती है। हमारा उद्देश्य समाज के हर नागरिक को समक्ष और सफल बनाना है। हम शिक्षा, महिला उद्धार, बाल विवाह को रोकने तथा हाइजीनिक से जुड़े समस्याओं का समाधान करना है। संस्था समय समय पर ट्राइबल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए वर्कशॉप का आयोजन भी करती है। प्लास्टिक मुक्त पहला विद्यालय प्लास्टिक मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए हाल ही में हमने मालवा मिल के निटक शिवाजी नगर के प्राइमरी स्कूल को पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त किया है। स्कूल की सभी प्लास्टिक की चीज़ों जैसे शार्पनर, प्लास्टिक की कुर्सी, दीवार घड़ी, बाटल, टिफिन की जगह मेटल और लकड़ी की चीज़ों को स्थान दिया है। पूजा दवे ने बताया कि अब हर रविवार को हम आम जनता के बीच जाएंगे। पहली कड़ी में इस रविवार हम लोगों ने प्लास्टिक का ब्रश के स्थान पर लकड़ी के ब्रश का उपयोग करने का निवेदन करेंगे। उसके अगले रविवार उसने निवेदन करेंगे कि कपड़े की थैली का प्रयोग करें। हर रविवार नए नए उद्देश्य के साथ जनता से अनुरोध करेंगे। कलेक्टर श्री लोकेश जाटव द्वारा की गई घोषणा। कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जाटव ने इस कार्यक्रम में लगी स्वयंसेवी संस्था प्रयास की सराहना की है। कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जाटव ने विद्यालय के बच्चों से चर्चा करके उनके द्वारा प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने के बारे में जानकारी ली। बच्चों ने बताया कि अब हम स्कूल में पानी के लिए प्लास्टिक की बोतल नहीं लाते हैं। प्लास्टिक के कंपास की जगह हम अन्य सामग्री के बने कंपास का उपयोग कर रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्त करने के लिए स्कूल में बाल कैबिनेट भी बनाई गई है। बच्चों ने कहा कि हम अपने परिजनों को भी सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग का कम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बताया गया कि स्कूल में प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत प्लास्टिक की बनी सभी प्रमुख रूप से कुर्सियां, डस्टबिन, बाल्टी, पानी की टंकी, फाइल फोल्डर, कंपास बॉक्स, बच्चों ने के खिलौने, बाथरूम मग, लंच बॉक्स, पानी की बोतल, स्टेल, हर चीज़ पर बच्चों ने प्रतिबंध लगा रखा है। अवसर पर बच्चों ने स्वच्छता पर आधारित नृत्य की प्रस्तुति भी दी। कलेक्टर श्री जाटव और श्रीमती मीना ने समीप बने आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण भी किया। धन्यवाद। हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट सबसे पहले पहुंचेगी आप तक।